हेलो फ्रेंड्स, प्रतिभा किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मटर। यह है 750 ग्राम मटर। इसमें डालेंगे हम गार्लिक पेस्ट 2 चम्मच, प्याज पेस्ट 2 चम्मच, गरम मसाला काला मसाला पिसा हुआ 1/2 टीस्पून, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये काला मसाला नमक स्वाद अनुसार, और 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून काला मसाला साथ में डाल देते इसमें। उसको अच्छे से मिलाएंगे। अब 10-15 मिनट के लिए मेल्ट होने के लिए रख देंगे। अच्छे से मेल्ट करेंगे। दस पंद्रह मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे। अभी हमारा मटन मेल्ट हो चुका है, 10-15 मिनट हो गए। अब इसको हम फ्राई करने चाहिए। पहले हम गैस चला लेते हैं। इसमें 1 कटोरी ऑयल डालेंगे, 2-3 पत्ती तेज पत्ते डालेंगे गर्म होने के बाद। अब डालेंगे प्याज, 1 बड़ा प्याज, 2-3 हरी मिर्च, 1 बड़ा टमाटर कटा हुआ, 1/2 प्याज ब्राउनिश होने देते हैं, टमाटर सॉफ्ट होने दे रहे हैं। अब हम करेंगे मेल्ट हुआ मटर। अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। अब हम डालते हैं हरा धनिया। डाल दी पानी, अभी 2 गिलास पकने के लिए जितना सफिशियंट है उतना डाल देते। अब हम इसमें 4 सीटी कवर करके रख देंगे।
पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हमारी मटर की सब्जी बन गई, चार सीटी हो चुकी है और मटर की सब्जी रेडी है। अब इसको खोल के देखते हैं। अच्छा, कलर भी अच्छा है, खुशबू बहुत अच्छी है, टेस्टी खुशबू आ रही है। इसको सर्व करते हैं। अगर आपको हमारी ये मटर वाली डिश पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।